करने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बेटे को ईडी ने समन भेजा है। ईडी ने पूछताछ के लिए मंगलवार को बुलाया है। इस वक्त की बड़ी खबर एएनबी न्यूज पर, प्रवर्तन निदेशालय ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के बेटे को समन भेजा। आय से अधिक संपत्ति के मामले में ये समन भेजा गया है। पंजाब से ये बड़ी खबर एएनबी न्यूज इस समय आप तक पहुंचा रहा है। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के बेटे को समन भेजा गया है। विदेशी मुद्रा एमजीएमटी अधिनियम के उल्लंघन के तहत ये समन भेजा गया। हमारे संवाददाता विनीत कपूर इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ। विनीत, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के बेटे को ईडी ने समन भेजा है। बिल्कुल पल्लवी, देखिए आपसे कुछ देर पहले ही परिवर्तन निदेशालय जलंधर की तरफ से कैप्टन अमरिंदर सिंह के पुत्र जो रणेंद्र सिंह हैं उनको समन भेजकर सीधे तौर पर तलब किया गया है। और सीधे तौर पर 27 तारीख को उनको तलब किया गया है कि 27 तारीख को परिवर्तन निदेशालय के दफ्तर में आप पहुंचे और यहां पर आय से अधिक संपत्ति मामले की बात करें या विदेशी मुद्रा एमजीएमटी अधिनियम के उल्लंघन करने के मामले की बात करें इसमें आपसे पूछताछ करनी है। तो इस मामले में कहीं ना कहीं रणेंद्र सिंह से पूछताछ होती नजर आएगी। 27 अक्टूबर को रणेंद्र सिंह सुबह 11 बजे के आसपास जो है परिवर्तन निदेशालय के अंदर पेश हो सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विनीत तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर पंजाब से, जहां सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के बेटे रणेंद्र सिंह को ईडी ने समन भेजा है। आय से अधिक संपत्ति का ये मामला है और अब ये जानकारी मिल रही है कि ईडी ने मंगलवार को पूछताछ के लिए बुलाया है और पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश हो सकते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह के बेटे।